जॉब कैमरा एक बार अच्छे से चेक कर लियो, रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना? आपको कितनी बार बताऊं फ्रैंकलिन भैया, सब कुछ ओके है, आप बस अपना डायलॉग अच्छे से बोलना। ओ हाँ, हेलो बच्चों, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आज मैं आपको ट्रेन सेफ्टी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। सर घूम गया मेरा तो, पर अच्छी बात है मुझे कुछ हुआ नहीं। ये हो क्या रहा है? ओह शिट, प्लीज उठ जाओ फ्रैंकलिन भैया, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। फ्रैंकलिन भैया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। शांत हो जाओ फ्रैंकलिन, सब कुछ ठीक है। अब तुम कौन हो और मैं हूँ कहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर हेनरी है और तुम मर चुके हो। क्या? पर मेरा एक और सवाल है, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ एकदम अकड़ के, जैसे मेरे अंदर कोई मशीनरी हो? वो कि मेरे फेस को क्या हो गया और मेरी बॉडी, क्या मैं एक रोबोट बन चुका हूँ? हाँ, पर पूरी तरह से नहीं। एक पूरे रोबोट में कन्वर्ट होने के लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग लिस्ट के सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे, तब तक तुम एक साइबॉर्ग बन के रहोगे। सुना ना गाइस आपने, पूरा रोबोट बनने के लिए मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। पर एक और चीज, मुझे मेरी बॉडी वापस कब मिलेगी? जैसे ही तुम एक पूरे रोबोट में कन्वर्ट हो जाओगे, रोबोट सेंसेस खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे और तब तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल जाएगी। हाँ तो देर किस बात की, शुरू करो। अरे डॉक्टर हेनरी, मुझे लगता है आपने मुझे गलत लोकेशन पे भेज दिया है। बात तो प्रोग्रामिंग टास्क कंप्लीट करने की हुई थी, पर मैं तो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। यही तुम्हारा पहला टास्क है, कॉम्बैट ट्रेनिंग, सारे फॉल्टी रोबोट्स को हरा दो। तो ठीक है फिर, हो जाए। आउच गाइस, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा टफ निकला। आउच, बेटर है पतली गली से निकल लेता हूँ। पर गाइस क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ तो मेरे पास भी कुछ स्पेशल वेपन सिस्टम होना चाहिए। ओहो गाइस, देखो मेरे वेपन को, इसमें से तो ग्रीन कलर की गोलियां निकल रही हैं। अब तो तुम सबका काम तमाम। ये देखो, आजा आजा तुम भी आजा। गाइस कसम से एक नंबर गन है ये तो। क्यों, बस इतना ही दम है? Hey guys, लगता है मैंने इन्हें गुस्सा दिला दिया है। ये रोबोट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये बहुत सारे हैं, जल्दी से स्टेट से ऊपर की तरफ जाता हूँ, वहाँ से निशाना और अच्छे से लगेगा। जल्दी 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 गाइस, ये तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है इनका प्लान पूरी बिल्डिंग को घेरने का है। दूर हटाओ बे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है सब निकल के, और जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जल्दी भाग जल्दी भाग, ये वाला तो ऊपर भी आ गया, बताता हूँ उसको अभी। अबे आउच, ये बाकियों से अलग और पावरफुल है। आउच आउच आउच, रुक जा भाई, लगातार मारते जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर हेनरी ने कहा था, मैं अभी एक सिंपल साइबॉर्ग हूँ तो मैं क्या ही कर लूंगा। नहीं गाइस, मैं तो अब भी इन पर भारी हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस, इसने अभी कुछ तो अजीब सा किया। अरे गाइस, अब ये क्या नई मुसीबत है? नहीं 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 नहीं, बच गया। गाइस ये वाला रोबोट तो बहुत ही बड़ा है, तो मेरा अगला मूव ये होगा कि मुझे कवर ले लेकर इसके पास पहुंचना है, ताकि निशाना एकदम अच्छे से लगा पाऊं। मिसाइल मिसाइल मिसाइल, बच गया। गाइस मुझे आगे कोई कवर दिख तो नहीं रहा, और वैसे भी इसका साइज देखो, मुझे लगता नहीं मेरा बेबी वेपन इसको कुछ कर पाएगा। पर अगर रोबोट को टारगेट ना करते हुए मैं उससे टारगेट करूँ जिस पर ये खड़ा हुआ है, तो बिंगो, मुझे मारने चला था। गाइस मैं तो अब भी काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, पूरा रोबोट बनने के बाद तो पता नहीं कैसा फील होने वाला है मुझे। और इसी के साथ मेरा पहला टास्क होता है कंप्लीट, जो कि मैंने एकदम हटके किया है। लगता है मुझे कुछ अपग्रेड मिल चुका है, तो चेक करते हैं अपनी पावर्स। मैडम वहीं पर रुक जाओ, आप एक रोबोट को रोक नहीं पाओगी, बस मुझे एक मामूली सा टेस्ट करना है, विश्वास कीजिए आपको कुछ नहीं होगा। गाइस मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और तुमने अपनी स्ट्रेंथ तो चेक कर ही ली है। ऐसे ही टास्क करते जाओ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ। पर एक चीज याद रखना, अब शहर के सारे रोबोट्स तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। हेनरी तुम टेंशन मत लो, इनको तो मैं देख ही लूंगा। तुम मुझे अगला टास्क बताओ, अपने नेक्स्ट अपग्रेड के लिए तुम्हें सारे रिंग्स को क्रॉस करना होगा। गुड लक गाइस, इस नई फ्यूचरिस्टिक बाइक के साथ साथ मुझे मिला है एक नया सूट, अब जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस इसे कहते हैं पावर, पता नहीं कितने सीसी का इंजन लगा है इसमें, जो भी है मजा बहुत आ रहा है। ये वाला भी हो गया और ये भी हो गया, बिल्डिंग से बचाकर बिल्डिंग से बचाकर बच गए। नेक्स्ट वाला काफी नीचे को है, तो चलते हैं। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, ओ इससे भी बच गए। अगली वाली रिंग थोड़ा ऊपर को है, तो चलते हैं ऊपर। अबे ओ चिचा, हेलीकॉप्टर लेकर कहाँ को चल दिए? अबे ये तो बीच पे आके खड़ा हो गया। चिचा हटा लो इसे, अगर मैं शुरू हुआ ना तो। चलो गाइस लगता है चिचा मस्ती के मूड में है, तो फिर करते हैं मस्ती। कितना मजेदार स्टंट था ये वाला तो। गाइस वहाँ नीचे पानी की साइड थोड़ी और रिंग्स बची हुई है, तो अपनी बाइक नीचे की तरफ ले जाते हैं। पर एक चीज ध्यान देने वाली है, पानी और मशीन का 36 का आंकड़ा है, यानी पानी टच करता है वाला शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो बेटर है थोड़ा दूरी बना के चले। अब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है गाइस। वो
गाइस ये तो वही फॉल्टी रोबोट्स हैं, ये वापस आ गए। गाइस लगता है अगली रिंग बहुत मुश्किल से क्रॉस होने वाली है, सर पे इतनी बड़ी आफत जो है। फ्रैंकलिन बाइक भगा टेन के डब्बो दूर हट जाओ वरना ओ शिट बिल्डिंग। Yes, guys, मैंने कर दिखाया, वो आखिरी रिंग थी। गाइस मैं आपको कैसे बताऊंगी टास्क कंप्लीट करके मुझे कैसा लग रहा है। गिरता हुआ फील हो रहा है। गाइस मैं तो एक जेटपैक के अंदर हूँ, पर ये हुआ कैसे? ये जेटपैक तुम्हें नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए दी गई है, और मैं बता दूं नेक्स्ट टास्क काफी मुश्किल होने वाला है। तुम्हें साइबर ग्रेवियर पे जाना होगा जहाँ पर बेकार रोबोट्स को मारा जाता है। क्या? गुड लक फ्रैंकलिन। तो गाइस अब हमें जाना है साइबर ग्रेवियार्ड पर। गाइस ये है साइबर ग्रेवियार्ड, यहाँ पर काफी सारे रोबोट्स हैं जो अपनी लाइफ के लिए मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि नीचे लगा हुआ एक बहुत ही बड़ा पेपर श्रेडर। मतलब यहाँ से नीचे गिरे तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, पर हम लोग गिरेंगे कैसे? कितना सारा स्पेस है यहाँ पर। तो वो नहीं गाइस, ये तो फाइटर प्लेन्स हैं और ये इसी तरफ को आ रहे हैं। बच गया गाइस। गाइस ये वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। काफी नजदीक था, मिसाइलों से उड़ा उड़ा के मार रहे हैं। तो अब तो काफी कम रोबोट्स बचे हैं यहाँ पर। भाई संभल के, ये वाला भी गया। गाइस अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, पर देखना ये है कि हम दोनों में से इस गेम को कौन सरवाइव कर पाता है। जीतेगा वही जो तेज होगा। ओके, तो मैं इस गेम का विनर बन चुका हूँ, और इसी के साथ मैं बनता हूँ GT डायमेंशन का सबसे पावरफुल रोबोट। फ्रैंकलिन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ डॉक, मैं ठीक हूँ, पर डॉक ये जगह कौन सी है? तुम सिमुलेशन एरिया में हो, रोबोट के मरने के बाद की जिंदगी। पर मैं तो दोबारा मर चुका था ना। हाँ पर पूरी तरह से नहीं, फिलहाल तुम इस सिमुलेटर में फंस चुके हो। तुम्हें सिमुलेटर से बाहर निकलने के लिए एक सीक्रेट डोर ढूंढना पड़ेगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस के रह जाओगे। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ डॉक, और थोड़ी देर में मैं डोर तक पहुँच ही जाऊंगा। एक बात और, ये राउंड जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। सिंपल नहीं है, जरा ठीक से बताओगे? अरे नहीं, सब कुछ कितना अनस्टेबल हो चुका है। ओ ओ ओ गाइस मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। कैसे भी करके मुझे सिमुलेशन से बाहर निकलना है। अरे भाई गाइस उस बिल्डिंग के ऊपर है वो डोर जिसके थ्रू हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब किसी भी गाड़ी से मैं टकराया नहीं हूँ। गाइस मौसम बदल रहा है, हमें थोड़ा और जल्दी करना होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है हम इस झमेले से बाहर निकल ही जाएंगे। कोई बात नहीं गाइस, फाइनली मैं बिल्डिंग तक पहुंच चुका हूं। जल्दी से टेरेस पे पहुंचते हैं। गाइस वो रहा वो डोर, बस पहुंचने वाला हूं। और ये खोला है, ये डोर तो जाम हो चुका है। ओ सॉरी फ्रैंकलिन, मैं बताना भूल गया, इस डोर की कीज मिलिट्री बेस पर है। हेनरी तेरी तो। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मिलिट्री बेस पर, जिसके सीक्रेट लैब में छुपी है उस डोर की कीज। गाइस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, और वो बहुत ही बड़ी है। हाँ गाइस वो एक जाइंट रोबोट है, और वो यहाँ की पहरेदारी कर रहा है। पर गाइस आपके भाई के पास एक आइडिया है, और ये बूम, इसका ध्यान तो हमने काफी आसानी से भटका दिया है। जितना बड़ा इसका शरीर है उतना ही छोटा इसका दिमाग है। मौके पे चौका मारते हुए जल्दी से इसके पीछे से निकलते हैं और ढूंढते हैं वो लैब। आउच, फाइनली लैब मिल गई मुझे, और गाइस टेबल पे रखी थी वो कीज। जल्दी से लेते हैं इसे और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओह तुम कौन हो अब? प्लीज मुझे मारना मत, ये तो वही रोबोट है। वैसे मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मुझे तो बस ये कीज चाहिए थी। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उन लोगों ने कैद करके रखा है ताकि मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब निकलो यहाँ से और अपने घर वालों से जाकर मिलो। गाइस अपन भी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अब वैसे गाइस सब कुछ इतना आसानी से हो गया। गाइस उस जायंट रोबोट ने मुझे ढूंढ लिया, तो मिसाइलें मारने लग गया। जल्दी से भागना पड़ेगा, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी। गाइस वो जायंट रोबोट ठीक मेरे पीछे है और मिसाइल मार रहा है। जल्दी भगा, जल्दी भगा। यहाँ से लेफ्ट मारता हूँ, यहाँ से राइट। वैसे वो डोर पास में ही है, हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। गाइस ये क्या, उस जायंट रोबोट ने मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। अब ये जगह पूरी तरह से फटने वाली है, मुझे बहुत ही जल्दी करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। डॉक्टर हेनरी मैं आ गया हूँ, कहाँ पर हो आप डॉक? डॉक ये तुम कर क्या रहे हो? बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इस मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा? वो सारे अपग्रेड्स तुम नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ।
अरे नहीं गाइस, डॉक्टर हेनरी तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला, वो मेरी सारी पावर्स ले गया। इसका मतलब इस डायमेंशन का सबसे पावरफुल रोबोट डॉक्टर हेनरी है, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। गाइस, डॉक्टर हेनरी मेज बैंक के टॉप पर है, इससे पहले वो बर्बादी वाले काम शुरू करे मुझे उसे रोकना होगा। डॉक्टर हेनरी सुनो मेरी बात, तुम एक अच्छे इंसान हो। डॉक्टर हेनरी मर चुका है तो तुम मुझे मेगा बॉस हेनरी बोल सकते हो। मेगा बॉस हेनरी, कुछ और नाम नहीं मिला क्या? लगता है इन मशीनों ने तुम्हारे दिमाग पर काफी गहरा असर डाला है। बहुत हुई मस्करी, तुम्हारा अब नीचे जाने का टाइम है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो फ्रैंकलिन, तो हार मान लो। आउच। बहुत जाने इसमें तो, पर बिना पावर्स के मैं इसको हराऊंगा कैसे? मैं तुम्हें सिमुलेशन में वापस भेज दूंगा, फिर तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कौन है? तुमने मेरी जान बचाई थी फ्रैंकलिन, अब मेरी बारी है, ये लो मेरी सारी पावर। गाइस, इस रोबोट ने मुझे फुल्ली चार्ज कर दिया है और बदले में अपनी जान गवा दी, इसकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसकी तो लाश भी नहीं बची। एक सेकेंड, इसको मैं वापस जिंदा कर सकता हूँ। आउच गाइस, फाइनली मैं अपनी दुनिया में वापस लौट आया। फ्रैंकलिन भैया, अब तो जिंदा हो, कितना मिस किया मैंने आपको। तो गाइस, फर्स्ट शॉट आउट गोज टू निरंजन टीएस, थैंक यू भाई। एंड सेकंड शॉट आउट गोज टू अर्ति खतिक, थैंक यू भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। और स्पेशल शॉट आउट टू गुरशब सिंह। गाइस, अगर आपको भी शॉट आउट चाहिए तो कमेंट करके ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आईडी स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।